Hello everyone, so this is Rakshita from Lifeline Success. So today we are going to complete the second part, which is left of class 9 civics chapter number 3 electoral politics. So this is the second part. So we have completed till page number 47. We have completed till here. Then we will start from the next topic, that is popular participation. Let's see. Now, another way to check the quality of the election process is to see whether people participate in it with enthusiasm. मतलब अभी दूसरा अगर अगर हमें कोई भी election की process को अगर हमें अच्छे से जानना है, अच्छे से देखना है, तो उससे उसके लिए हमें उसमें पहले participate करना पड़ेगा. If the election process is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise. अगर election free or fair नहीं है, मतलब अगर कोई भी डर्टी ट्रिक्स यूज की गई है, तो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. देन नाउ रीड दीज चार्ट्स एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट पार्टिसिपेशन इन इंडिया. तो यहाँ पे कुछ चार्ट दिए गए जिससे हमें कंक्लूजन निकालनी है. अब ये चार्ट कहाँ के दिए गए हैं? इंडिया के दिए गए हैं. नाउ फर्स्ट इज टर्न वोटर टर्न आउट इन इंडिया एंड द यूके. तो यूके में पिंक से हैं और इंडिया में ब्लू से. तो यूके, लेट्स सी ऑफ यूके. तो यूके में पार्टिसिपेशन कितना है, वोटर टर्न आउट कितना है, 78 से. मतलब पहले थोड़ा नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर बाद में ऊपर आया ग्राफ. इंडिया का देखा जाए तो नीचे से थोड़ा सा बड़ा है, यूके का और कम हुआ है और इंडिया का और ज़्यादा बड़ा है. Then first है, people's participation in election is usually measured by voter turnout figures. अभी कितना लोगों का कितना participation है, कितना participate करते हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना, मतलब उसको बोलते हैं voter turnout figure. अभी turnout नहीं बताए, जैसे हम graph से measure करते हैं कितना था और कितने से बढ़ा है या नीचे गया है, तो हम किससे measure करते हैं, voter turnout figure से. Then turnout indicates the percent of eligible voters who actually cast their votes. सो टर्नआउट हमें क्या बताता है, इतना टर्नआउट बताता है हमें परसेंटेज, और वो भी परसेंटेज मतलब कितने लोगों ने वोट किया, एलिजिबल वोटर्स जिन्होंने, मतलब कितने परसेंट लोगों ने वोट किया है. ओवर द लास्ट 50 इयर्स द टर्नआउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज डिक्लाइन. पिछले 50 सालों में, अभी यहाँ पे हमें दिखा है यूके और इंडिया का, बट अगर हम यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो दोनों में बहुत घटा है. जैसे हमने देखा कि इंडिया में थोड़ा सा बड़ा है और यूके में घटा है. Then next है, in Europe and North America is decline. In India the turnout has either remained stable or actually gone up. जैसे मैंने आपको बताया पहले इंडिया के, मतलब ग्राफ क्या है, थोड़ा थोड़ा बीच में स्टेबल हुआ था और फिर जाके थोड़ा सा ऊपर गया था, ठीक है. देन मतलब यहाँ पे इंडिया का पार्टिसिपेशन ज़्यादा बड़ा है पहले से. और अगर हम नेक्स्ट की बात करें, in India the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and the privileged section. मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो अनपढ़ होते हैं या फिर जिनको किसी चीज़ से प्रॉब्लम, मतलब जो अपनी लाइफ अच्छे से, जिनको मतलब फुलफिल नहीं कर पाते जो अपनी नीड्स, ठीक है, तो वो क्या है, वो ज़्यादा प्रोपोर्शन में वोट करते हैं. वो ज़्यादा क्या है, ज़्यादा मतलब वेट करते हैं इलेक्शन के लिए कब आएंगे, और वो भी पूरे, मतलब गाँव में क्या होता है, तो वो तो पूरे फैमिली लेके जाते हैं वोट करने के लिए. अब क्यों लेके जाते, क्योंकि जो उनकी, जैसे गरीब लोग होते हैं उनके पास तो कुछ नीड्स नहीं होती, तो वो चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो उनके लिए अच्छी साबित हो, एडवांटेजेस साबित हो, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा वोट करते हैं, बल्कि रिच या मिडिल क्लास लोगों से ज़्यादा. दिस इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज. ये क्या है, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के अपोजिट है. तो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में रिच लोग ज़्यादा करते हैं वोट गरीबों से. नाउ फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर हम यूएसए की बात करें, तो पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन्स एंड हिस्पैनिक्स वोट मच लेस देन द रिच एंड द वाइट पीपल. अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं, फिर अफ्रीकन अमेरिकन्स, हिस्पैनिक्स भी, वो मतलब हिस्पैनिक्स मतलब जो जो इंडिया के एस सी एस टी होते ना, तो वैसे भी दूसरी बैकवर्ड क्लासेस, वो हिस्पैनिक्स में आती हैं. यूएसए में क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं वो क्या है, वो कम वोट करते हैं, ठीक है, वो कम वोट करते हैं, बल्कि वहाँ पे रिच लोग ज़्यादा वोट करते हैं. तो ये यूएसए और इंडिया में डिफरेंस है.
जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशल सोशल ग्रुप्स कितने हैं, वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड एंड अस बाय सोशल ग्रुप 2004. अभी इंडिया में पहले अपर कास्ट, जो अपर कास्ट के उन्होंने 56 किया, ओबीसीज में 58 थोड़ा सा और बड़ा, एससी में ज़्यादा बड़ा और एसटी में उससे ज़्यादा 61. तो एससी एसटी दूसरे बैकवर्ड्स के लोग ज़्यादा वोट करते हैं. और अगर यूएससी की बात करते हैं, वाइट मतलब जो अच्छे, मतलब जो थोड़े अमीर टाइप में आते हैं, ब्लैक 56 और हिस्पैनिक मतलब जो बिल्कुल ही लो कास्ट के आते हैं, उन्होंने कम वोट किया. तो ऐसा ये अपोजिट रहता है दूसरी कंट्रीज में. नाउ कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शंस. मतलब जो कॉमन पीपल होते हैं इंडिया में, तो उनके लिए इलेक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस ही कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम. मतलब वो क्या चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर अगर उनके मतलब अगर उनकी पसंद की या जो वो चाहते हैं वो पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, तो फिर वो उनके ऊपर प्रेशराइज करेंगे या फिर वो उनसे अपनी पॉलिसीज वगैरह बनवा लेंगे जो उनको चाहिए. दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री. उनको ये भी लगता है कि उनकी वोट जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा कंट्री के लिए मैटर करती है. देन थर्ड, डू यू थिंक वोट मेक्स अ डिफरेंस. अब इसमें जो मैंने अभी आपको बताया कि वोट क्या डिफरेंस बनाती है, देखो अभी 67% लोग वो होते हैं जिनके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, और ये 18% वो लोग होते हैं जिनके इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे वोट दो या ना दो कोई मतलब नहीं. और 15% को तो लोगों को तो पता ही नहीं इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनको वोट देने से फर्क नहीं पड़ता, उनको पता ही नहीं ऐसा कुछ. देन अगर हम फोर्थ पार्टिसिपेशन की बात करें, तो द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स. अगर देखा जाए तो मतलब वोटर्स का जो इंटरेस्ट है वो दिन मतलब साल बर साल बढ़ता ही जा रहा है. ड्यूरिंग ड्यूरिंग 2004 इलेक्शंस मोर देन 1/3 वोटर्स टेक पार्ट इन द कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज. मतलब 2004 के इलेक्शंस में देखा गया तो मोर देन 1/3 मतलब 1/3 से भी ज़्यादा, मतलब 1/3 ठीक है दिख तो नहीं रहा, बट 1/3 से भी ज़्यादा 1/3 प्लस वोटर्स हैं जिन्होंने कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है. मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज बीइंग क्लोज टू वन और द अदर पॉलिटिकल पार्टी. मतलब आधे से भी ज़्यादा लोग वो हैं जो मतलब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के क्लोज में हैं या फिर उनके रिलेशन में हैं, उनके नेबर्स हैं, तो वो आते हैं इसमें. वन आउट ऑफ एवरी 7 वोटर्स इज अ मेम्बर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. मतलब वन आउट ऑफ एवरी 7 वोटर्स, मतलब अगर जैसे 7 हैं, 7 वोटर्स हैं, 7 में से जो 7 में से कोई भी एक आपको मिलेगा जो पॉलिटिकल पार्टी से क्लोज में है, ठीक है. नेक्स्ट जैसे जैसे यहाँ पे भी ग्राफ दिया है, दोज हु पार्टिसिपेटेड इन एनी इलेक्शन रिलेटेड टू एक्टिविटी इन इंडिया. जैसे यहाँ पे इलेक्शन ईयर, यहाँ पे इलेक्शन ईयर कितने, 8% 1996, फिर 13 थोड़ा ऊपर जान था, ठीक है एक मिनट फिर से बता दें. इसमें 8 ईयर्स, इसमें 13 ईयर्स, इसमें 21 ईयर्स और इसमें 32 ईयर, मतलब सॉरी 32%, 21%, 13%, 8%. तो सबसे ज़्यादा किस में, 2004 में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, कितने परसेंटेज है, 32% है. तो अभी 8% से कैसे 32% बढ़े, ये क्या है, पहले ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट आने लगा है इसमें. अभी अगर हम नेक्स्ट देखते हैं देन वो है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस आउटकम. सो इसमें क्या है, वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री और फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज इन द आउटकम इटसेल्फ. मतलब जो इसका फाइनल टेस्ट है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं, उसका आउटकम अब हमें पहले ही पता चल जाता है. इफ़ इलेक्शंस आर नॉट फ्री और फेयर द आउटकम ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल. अगर इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं है तो मतलब अभी इलेक्शन किसका साथ देगा, जो पावरफुल पार्टी होगी उसी का साथ देगा. In such a situation, the ruling party do not lose elections. इस केस में जो ruling party मतलब जो पहले से उस time rule कर रही है, तो वो कभी भी इसमें हारते नहीं है. अगर free and fair नहीं हुआ तो ruling party तो हारेगी ही नहीं. Then next है, usually the losing party does not accept the outcome of a rigged election. मतलब जो party जो दूसरी party हार जाती है तो उनको मतलब वो accept नहीं करती कि वो मतलब free and fair नहीं हुआ election इसकी वजह से आ रही है. वो क्या, बल्कि वो और आवाज़ उठाते ना, मतलब आउटकम ऑफ इंडिया इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. अभी जो इंडिया के इलेक्शन के जो भी आउटकम जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो खुद ही बोलते हैं.
खुद ही बोलते हैं, द सेंस रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल स्टेट लेवल. रूलिंग पार्टी क्या है, ज़्यादातर क्या होती है, मतलब स्टेट और नेशनल लेवल पे इलेक्शंस जो है वो हार जाती है, नेशनल और स्टेट दोनों पे हार जाती है रूलिंग पार्टी. इन फैक्ट इन एवरी टू आउट ऑफ थ्री इलेक्शंस हेल्ड इन द लास्ट 25 ईयर्स द रूलिंग पार्टी लॉस्ट. पिछले 25 सालों में 3 इलेक्शंस हुए हैं. हर एक इलेक्शन 5 साल बाद होता है और 3 इलेक्शन हैं, मतलब कितने साल बाद, 5 × 3 = 25. तब 25 साल बाद 3 बार जो इलेक्शन हुए उन तीनों में रूलिंग पार्टी क्या है, रूलिंग पार्टी लूज हुई है. Then in the US an incumbent or sitting elected representative rarely loses an election. US में भी ऐसा होता है, जो representative उस time है जो rule कर रहा है तो वो भी election हार जाता है. In India about half of the sitting MPs or MLAs lose election. India में भी ऐसा होता है, आधे से ज़्यादा मतलब half plus MPs जो MP रहते हैं, जो MLA रहते हैं, तो वो सब भी क्या है, वो भी हार जाते हैं election. Now, candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with non-criminal connections often lose elections. मतलब candidates जो मतलब who are known to have spent a lot of money, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाया जाता है या फिर मतलब जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं. अभी कुछ कुछ लोग तो क्या होता है, डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वोट्स खरीद लेते हैं, मतलब घर घर जाके पैसे देते हैं, आप इतने पैसे लो और मेरे को ही वोट देना, मेरे को ही वोट देना, सबके घर जाते हैं बहुत लोग, मतलब वोट्स पाने के लिए कुछ भी करते हैं. एंड दोज विद नॉन क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लूज इलेक्शन. और जो मतलब जिनकी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग रहते हैं, ठीक है, तो उनके क्या वो हमेशा वो भी इलेक्शन लूज ही करते हैं. Bearing very few disputed election, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party. मतलब अगर हम अगर कोई भी इलेक्शन में डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, the electoral outcomes मतलब जो भी रिजल्ट आता है, तो वो क्या मतलब देखो किसी के किसी कुछ तो कुछ पार्टीज में दो पार्टीज में डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो गई, अब जो रिजल्ट आएगा वो किसके हिसाब से लिया जाएगा, वो रूलिंग पार्टी के हिसाब से नहीं लिया जाता, ना ही गवर्नमेंट के हिसाब से. उसका मतलब उसका सॉल्यूशन कौन निकालता है, पीपल, मतलब पीपल जो चाहते हैं, जिनको वो वोट देंगे, ठीक है, जिनको मेजोरिटी ऑफ पीपल वोट देंगे, वही पार्टी क्या है, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी. Then next is challenges to free and fair elections. अभी free and fair elections करने में क्या क्या challenges आते हैं, क्या क्या difficulties आती हैं, let's see. All this leads to a simple conclusion. ये किस मतलब ये किस चीज़ को lead करता है, एक simple conclusion, एक simple है, simple चीज़ है वो, क्या elections in India are basically free and fair. India में elections कैसे होते हैं, वो free and fair ही होते हैं. अब कुछ कुछ लोग dirty tricks use करते हैं, अब उसके लिए हम तो इंडिया को बदनाम थोड़ी ना करेंगे. The party that wins an election and forms government does so because people have chosen it over its rivals. अब जो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है और गवर्नमेंट बनाती है, तो वो ऐसा इसलिए करती है ताकि लोग उसी को ही चूज करें, ना कि उसके राइवल्स, उसके दुश्मनों को, ठीक है. देन दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा तो नहीं होता है, कुछ कुछ में होता है. अ फ्यू कैंडिडेट्स मे विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर एंड अनफेयर मीन्स. अब कुछ कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो अपने बेसिस पे जीते हैं, ना कि कोई डर्टी ट्रिक्स यूज करके, ना कोई माल प्रैक्टिस यूज करके, ना वोट्स खरीद के, बल्कि वो अपनी खुद की एकदम मतलब यू नो ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी से जीतते हैं. बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ अ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर प्रेफरेंस. मतलब जो सबका ओवरऑल वर्डिक्ट है, मतलब सब लोग जो चाहते हैं वही होगा जनरल इलेक्शंस में, और उसकी वजह से किसको ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट मिला है तो वही जीतेगा. देर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस रूल इन द लास्ट 60 ईयर्स इन आवर कंट्री. मतलब इसमें हमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी देखने मिले हैं पिछले 60 सालों में हमारी इन कंट्री इंडिया में. This is why makes Indian election democratic. यही तो है जो हमारी कंट्री में, हमारी इंडिया में
इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाता है. येट द पिक्चर लुक्स डिफरेंट इफ वी आस्क डीपर क्वेश्चंस. अगर हम और इसके खिलाफ डीपर क्वेश्चंस और गहरे क्वेश्चंस पूछेंगे तो क्या है ये, तो थोड़ी अलग इमेज देखने के लिए मिलेगी. आर पीपल्स प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज. क्या लोग जो प्रेफर करते हैं, क्या वो असली नॉलेज है, क्या उनकी वो स्किल्स है, वो एबिलिटीज है, क्या उनकी नॉलेज है? नहीं. आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस. क्या वोटर्स को रियल चॉइस मिल रही है, क्या वो सही से चूज कर पा रहे हैं पार्टीज वगैरह के बीच में, क्या उनको प्रॉपर चॉइसेस दी जा रही है, फिर सिर्फ ओनली वन पार्टी इलेक्शन स्टेट है. इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन. क्या इलेक्शन सबके लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब एक कंपटीशन का, मतलब एक जंग का मैदान जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो क्या वो बन गया है इलेक्शन सबके लिए? कैन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन. क्या कोई जो साधारण या सिंपल आदमी जो है, क्या वो इलेक्शन जीतने की आशा भी रख सकता है थोड़ी सी भी? क्योंकि सब पावर वाले हैं ना, तो वो सब पैसे, मतलब पैसों से करते हैं, तो वो क्या जीत जाते हैं उससे. नाउ क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड ब्रिंग्स द मेनी लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इलेक्शंस टू आवर अटेंशन. नाउ ऐसे क्वेश्चंस, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं, बहुत सारी लिमिटेशन, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी डिफिकल्टीज खड़ी करती हैं. अभी इसमें क्या क्या आते हैं, लेट्स सी. इससे पहले हम यह देख लेते हैं. तो जैसे यहाँ पे दिस इज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बोल रहे हैं, यह कहने की क्या जरूरत थी कि हमने अपने योग्य और क्या लिखा है, जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है. अभी ये क्या बोलते हैं, मतलब ये किनको टिकट देते हैं, जो इनके क्लोज वंस है, जो इनके रिलेशन में है, इनसे ज़्यादा, मतलब जो इनके नेबर में है, ठीक है, इनके पहचान वाले हैं, इन्होंने उनको ये टिकट दिए ताकि वो लोग इन्हीं को वोट कर सके. अब वो ऐसा क्यों करता है, ताकि इनको वोट ज़्यादा मिले और ये अपनी गवर्नमेंट बना लें आसानी से. तो ये कि वो किसी को शो नहीं होने देते, ठीक है. नाउ इफ यू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट, सो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेट्स सी हियर. सो फर्स्ट इज कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ द विक्ट्री, बट दे टू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंस. मतलब जो कैंडिडेट्स और जो पार्टीज है जिनके पास बहुत सारा पैसा, मतलब जो बहुत अमीर हैं, अभी मे नॉट बी श्योर ऑफ द विक्ट्री, मतलब उनको क्या है, पूरा तरीके से श्योर नहीं रहते कि वही जीतेंगे. जीत मत चलो जीतते हैं या ना जीते, बट उनके अलावा जो छोटी पार्टीज हैं, जो छोटी पार्टीज हैं उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा हक जताते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हक जताते, क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी इसमें आता है, उनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो वो अनफेयर एडवांटेज, जो मतलब उनका फ़ायदा उठाते हैं जो उनको नहीं उठाना चाहिए. इन सम पार्टीज इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शंस हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज. मतलब अगर कंट्री के दूसरे पार्ट्स में देखा जाए तो वहाँ पे कैंडिडेट्स जिनके क्रिमिनल कनेक्शन है, ठीक है, तो उनको क्या है, एकदम धक्का दे के पुश किया जा रहा है, ठीक है, तुम लोग जाओ भागो दौड़ो रेस में, जीतो तुम्हें अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, ठीक है, तो ऐसे क्या उनको क्या करते हैं, पुश आउट करते हैं एंड टू सिक्योर टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज, ताकि दूसरी पार्टी से वो टिकट ले सकें. Some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives from these families. जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो जिनके मतलब कुछ कुछ families में क्या होती है, political parties के close रहते हैं, तो tickets क्या है, उन्हीं के मतलब उन्हीं के साथ या उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने रिलेटिव्स या फैमिलीज वालों को. वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन. मतलब सिर्फ कुछ ही इलेक्शंस में क्या है, सिटीजन्स को, पीपल को रियल चॉइसेस देखने के लिए मिलती हैं. फॉर बोथ द मेजर पार्टीज
are quite similar to each other both in policies and practices. मतलब चाहे major parties हो या minor parties हो, दोनों के policies और practice में दोनों similar हैं. Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. मतलब इसमें क्या बताया, जो छोटी parties होती है, जो independent candidates होते हैं, वो क्या है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा disadvantage suffer करते हैं. Disadvantage मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान सफ़र करते हैं, क्योंकि जो बड़ी पार्टीज है क्या उन पर अपना दबाव बना लेती है, उन पर प्रेशराइज करती है, ठीक है. तो इसलिए क्या है, जो स्मॉलर पार्टीज है वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं ले पाती, बल्कि जो बड़ी बड़ी पार्टीज है वो उनके वोट्स चुरा लेती है पैसे दे के, ठीक है. मतलब वो ब्राइब करती है, थ्रेटन करती है, डराती है, धमकाती हैं, ठीक है. तो ये काम करके जो बिगर पार्टीज है वो सपोर्ट भी गेन करती हैं और उन वोट्स भी जमा करती हैं. और दूसरी तरफ देखा जाए तो स्मॉलर पार्टीज को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं डिफिकल्टी झेलनी पड़ती है उनको. दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन मैनी इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज. ये जो चैलेंजेस हैं सिर्फ इंडिया में ही नहीं एग्जिस्ट होते, बल्कि दूसरे डेमोक्रेसीज, दूसरी कंट्री के डेमोक्रेसीज में भी होते हैं. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. अब ये जो issues हैं तो ये चिंता का विषय है, ठीक है. किसके लिए, जो for those who believe in democracy, जो democracy में believe करते हैं, तो उनके लिए तो उनको तो फिर देखना चाहिए कि एकदम अच्छे से free and fair manner में election हो. That is why citizens, social activists and organization have been demanding reforms in the electoral system. इसलिए जो people हैं, जो citizens हैं, social activists हैं, जो organization संभालते हैं, तो बहुत पहले से डिमांड करते आ रहे हैं कि उनको इलेक्टोरल सिस्टम में क्या चाहिए, रिफॉर्म चाहिए, चेंज चाहिए. Can you think of some reforms? क्या आप कुछ ऐसे changes के बारे में सोच सकते हो? What can an ordinary citizen do to face these challenges? कोई भी ordinary citizen क्या कर सकता है अगर उनको ये challenges face करने पड़ते हो? अभी एक बार ये भी पढ़ लेते हैं. Here are some facts on Indian election. तो यहाँ पे कुछ facts रखे हैं Indian election के लिए. Comment on each of these to say whether they reflect the strength or the weakness of electoral system. अभी 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे 4 facts दिए हैं Indian elections के बारे में. तो आपको बताना है कि ये electoral system की strength, उनकी ताकत बनते हैं या उनकी कमजोरी. फर्स्ट इज द 16th लोकसभा हैज़ 12% वुमेन मेम्बर्स. 16th लोकसभा बनी है उसमें 12% कितने वुमेन है, उसमें 12% आर वुमेन. Then the election commission often refuses to accept the government's advice about when the election should be held. मतलब election commission ने क्या है, मना कर दिया. मतलब the election commission often refuses, मतलब ज़्यादातर क्या है, मना कर देते हैं ताकि government अपना advice ना दे elections में, क्योंकि government में elections का कोई काम नहीं. अब elections कौन संभालता है, election commission, जिसमें मना करता है EC, इसके पास कितनी power रहती है. The 16th Lok Sabha has more than 440 members whose assets are more than rupees 1 crore. अभी इस Lok Sabha में 16 Lok Sabha है, तो उसमें कितने members होते हैं, 440. Total members हैं उनके 440, जिससे मतलब जो एक asset है, जो एक advantage है उनके लिए, और advantage कितने का, 1 crore का. कितना, 440 members कितने का advantage है, 1 crore का. After losing an election, the chief minister said, I respect the people's verdict. अगर इलेक्शन मतलब सीएम अगर इलेक्शन हार जाता है तो क्या कहता है, रिस्पेक्ट द पीपल्स वर्डिक्ट. मैं लोगों की जो वर्डिक्ट है, लोग जो चाहते हैं, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है. तो ये कुछ फैक्ट्स थे. So here we have completed this chapter. So in this chapter we have studied about the electoral system of India. So we have completed this chapter. This was second part. First part I have already uploaded and now I will upload the second part. So thank you so much for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe.
वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री और आई थिंक सो इकोनॉमिक्स. सो बाय बाय गाइज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय गाइज, टेक केयर.